दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग आपसे बात करेंगे कि कुछ टाइम पहले बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी MDU की सेकेंड ईयर की जो डेट शीट है सबसे पहले हमारे चैनल ने आप लोगों को दी थी, और आप लोगों को एक बात और भी बताई थी कि बहुत जल्द जो है फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी होने वाले हैं। तो गाइज, अब मेरे पास बहुत सारे काफी कमेंट्स बच्चों के आ रहे हैं और पर्सनल कॉल भी जो है बच्चे कर रहे हैं कि सर MDU के बैचलर ऑफ एजुकेशन के जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम हैं क्या वो कब तक होंगे, क्या वो कैंसिल तो नहीं हो गए हैं, क्या बच्चों को प्रमोट किया जाएगा या MDU यूनिवर्सिटी बच्चों के एग्जाम नहीं लेगी। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के जो सवाल बच्चों के जहन में घूम रहे हैं, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाकर आप लोगों को कुछ चीजों को क्लैरिफाई करना चाहिए कि आखिर MDU यूनिवर्सिटी ने बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर की जो डेट शीट है उसको इतना डिले क्यों किया है, और वो MDU बीएड सेकेंड ईयर के जो बच्चों की डेट शीट आई थी उसके साथ अमूमन क्यों नहीं निकाला। अक्सर देखा गया है जब कभी MDU यूनिवर्सिटी या हरियाणा की कोई भी यूनिवर्सिटी अपने बैचलर ऑफ एजुकेशन के गाइज एग्जाम लेती है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो एग्जाम है वो एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी कि साइमेंटेसली जो है वो एग्जाम चलते हैं। बट पहली बार ऐसा हुआ कि बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकेंड ईयर की तो डेट शीट जैसे MDU ने दे दिया, फर्स्ट ईयर की डेट शीट के लिए काफी बच्चे बहुत ज्यादा उत्सुक हैं और वो काफी परेशान है कि सर हम लोग क्या करें कि अपनी स्टडी को करें या फिर ना करें। तो गाइज, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी बच्चे बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं उनके सारे के सारे जो डाउट हैं वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाए और उनको कुछ एक सेटिस्फेक्शन मिले। तो गाइज, जहां तक मैंने अभी जो है बात करी अपनी इंटरनल सोर्सेज से, तो उन्होंने मुझे बताया कि MDU यूनिवर्सिटी की जो फर्स्ट ईयर की जो डेट शीट थी वो तो ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी, बट उसको क्या पब्लिश नहीं किया गया, उसको कहीं ना कहीं रोक दिया गया है। उसका कारण जो एक बताया जा रहा है, देखिएगा इस हम लोग भी क्या है जब किसी से बात करते तो वो 101% क्या है एक एविडेंस नहीं होता बातचीत करने का, एक क्योस लगाया जाता है कि भाई पॉसिबिलिटी कि भाई ये चीज हो सकती है, प्रिडिक्ट हम लोग कर सकते हैं। अब वहां पर यह बताया गया है कि देखो जिस हिसाब से कोविड की जो सिचुएशन चल रही है, कुछ बच्चे ऑनलाइन एग्जाम भी अपना दे रहे हैं, तो एकदम सभी कॉलेजेस को ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मिल जाती है तो सारा का सारा जो है ना मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी ने सोचा है कि पहले सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनके एग्जाम को अच्छी तरह से करा दिया जाए और उसके 2 या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर की जो डेट शीट है उसको निकाल दिया जाए। एक तो गाइज ये जो सवाल है इसका जवाब ये बन रहा है। दूसरा गाइज, पिछली बार जिस हिसाब से MDU ने फर्स्ट ईयर के बच्चों को गुपचुप तरीके से प्रमोट किया था, हो सकता है कि बच्चों को दोबारा भी प्रमोट कर दिया जाए। हो सकता है कि UGC की जो गाइडलाइन काफी टाइम पहले आई थी इंटरनली क्या है MDU उसको मान ले और बच्चों को प्रमोट भी कर दे। ये सारे सवाल है और उनके जवाब हम लोग प्रिडिक्ट दे रहे हैं, ये एग्जैक्टली नहीं है जो आप सोचना चाह रहे हो कि सर ये 101% हो जाएगा, इसकी क्या है पॉसिबिलिटी है। उसके बाद क्या है कि सर अगर बाय चांस हम लोगों के एग्जाम अभी नहीं हुए तो हमारे जो एग्जाम है क्या वो पोस्टपोन होके सितंबर अक्टूबर में हो सकते हैं। तो गाइज देखिए, मैंने इस बात पे भी बात की कि बच्चों के एग्जाम तो पोस्टपोन होके आगे तो नहीं बढ़ जाएंगे, तो उन्होंने बोला नहीं, जब तक बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकेंड ईयर के एग्जाम हो जाएंगे तो जितने भी कॉलेज के अंदर जो सेंटर वगैरह आता है बच्चों का ऑफलाइन के लिए तो वो सेंटर क्या खाली हो जाएंगे और उन बच्चों को जो फर्स्ट ईयर के उनके जहां पर एग्जाम है वो कराए जा सकते हैं। तो गाइज देखिए, जो भी सवाल का जवाब मैंने आपको दिया है ये कोई 100% नहीं है, इसमें कोई भी चेंजेस हो सकता है या कोई भी एक चीज बदलाव आ सकती है। तो हम लोग क्या है क्योस लगा सकते हैं और अपने इंटरनल सोर्सेज से एक बेसिक नॉलेज ही क्या निकाल सकते हैं। तो बाकी तो देखो सारा का सारा यूनिवर्सिटी को तय करना है, जो कंट्रोलर है उनको तय करना है, हम लोग तो जस्ट वेट करते हैं कुछ टाइम पहले कि अब बच्चों की डेट शीट आ जाए। तो अब जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो काफ़ी बच्चे मुझे बोल रहे कि सर हम लोग प्रमोट हो जाएंगे, काफ़ी बच्चे मुझे बोल रहे कि सर हमारे पास मैसेज आया कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। तो गाइज देखिए, इस प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन अभी ना तो इंटरनल सोर्सेज के थ्रू आई है ना किसी यूनिवर्सिटी के बंदे ने हमें ये चीज़ बताई है। सिर्फ ये बताया है कि पहले MDU सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम है उनको फिनिश करा दिया जाए, उसके बाद फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम है
उनको लिया जा सकता है। तो कहने का मतलब गाइज ये है कि आप अपनी स्टडी को गाइज बिल्कुल भी मत छोड़ो, क्योंकि देखिए कुछ भी हो सकता है, सेकेंड ईयर के एग्जाम हो रहे हैं तो आप भी मान के चलना डेफिनेटली आप लोगों के एग्जाम भी होंगे। अब इस बात पर परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि देखिए मैं मानता हूं जब सेकेंड ईयर के एग्जाम साथ साथ पहले कराए जा सकते थे, अब क्या दिक्कत आ गई है बच्चों के साथ नहीं कराए जाए। तो यूनिवर्सिटी के दिमाग में क्या खिचड़ी गाइस पक रही है वो तो यूनिवर्सिटी के वीसी और कंट्रोल को ही पता है, बाकी हम लोग या आप लोग क्या है सिर्फ एक बात को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब बाकी सारा जो फैसला है वो बड़े अधिकारी जो बैठे होते हैं उनके समक्ष जाता है कि वो इस चीज को कैसे हैंडल करते हैं या बच्चों के भविष्य को वो कैसे देखते हैं। तो मैं अगर कोई भी एमडी यूनिवर्सिटी का अधिकारी या वीसी या चांसलर हमारी वीडियो को देख रहा है तो मैं उनसे तहे दिल से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बैचलर ऑफ एजुकेशन के बच्चों को अगर यूजीसी का नियम अगर आप लोग मानते हो तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है उन बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। अगर प्रमोट नहीं करना चाहते तो प्लीज़ इन बच्चों के एग्जाम बहुत टाइम से कराइए, क्योंकि इनको भी आगे सेकेंड ईयर की क्लास में जाना है और आगे चल के अब एक टीचर बनना है। तो ये सारी रिक्वेस्ट हम जो है एमडीयू के जो वीसी साहब है चांसलर हैं या फिर कंट्रोलर हैं उनसे करना चाहेंगे। बाकी का इस फैसला तो उनको ही लेना है, अल्टीमेट वो क्या फैसला लेते हैं इस पर क्या है हमारी पूरी नज़र है। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैंने कुछ सवाल जो बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश की है, उनके सवाल के जवाब देने की मैंने कोशिश की है। वीडियो आपको कैसा लगा गाइज प्लीज इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि इस प्रकार की एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव जो वीडियो है वो आपके पास आती रहे। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, मुस्कुराते रहना गाइज, थैंक यू सो मच।